जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी, जय माँ दक्षिण काली। माँ भगवती के इस दिव्य दरबार में, माँ राज राजेश्वरी दक्षिण काली दरबार में देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी हैं और उनके सुपुत्र आचार्य श्री सीता शरण जी भी विराजमान हैं और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री नरेंद्र ढोंडियाल जी भी विराजमान हैं। और यहाँ पे जो माँ भगवती के इस कार्यकाल में जो इस देवी भागवत का आयोजन किया गया है, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री सुशील बनोनी जी माँ भगवती उपासक द्वारा किया गया है। और इसमें आज जो निमंत्रण पत्र है, समस्त देव डोली, समस्त उत्तराखंड के जितने भी माँ भगवती के भक्त हैं, सभी भक्तों के लिए ये निमंत्रण है। और आज का जो निमंत्रण ये हमारी बड़ी बहन दीपा नेगी जी, यूट्यूब चैनल पहाड़ी नाम से आप जानते होंगे हमारी बड़ी बहन, और उनके पति सतेश सिंह नेगी जी ग्राम खिलतोली जिला रुद्रप्रयाग से हैं। और समस्त रुद्रप्रयाग जिला वालों को मेरा निमंत्रण है, सभी माँ भगवती के दरबार में आएं और इस देवी भागवत का प्रसाद और आशीर्वाद माँ भगवती का जरूर लें। समस्त उत्तराखंड के जमोली गढ़वाल से, और यहाँ पे 10 मई को हमारी बड़ी बहन दीपा नेगी जी माँ भगवती के दरबार में आएंगे और 18 मई तक 9 दिन की देवी भागवत में यहीं रहेंगे। कई लोग मंदिर में आते हैं कि दीदी जी का नंबर दो, तो कई लोगों में नंबर दूंगा, जो भी उनके फॉलोवर हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप 10 मई से माँ भगवती के इस दिव्य दरबार में उनको मिल सकते हैं 18 मई तक। तो हमारी दीदी जी हमारे बीच में 10 मई को देहरादून दीपनगर में आएंगे और माँ भगवती का जो ये दिव्य दरबार है, ये हर रविवार को देहरादून दीपनगर के दून यूनिवर्सिटी के पास लगता है और दूर दूर से इस माँ भगवती के दरबार में आते हैं, चंडीगढ़, पटियाला, महाराष्ट्र, गुजरात, देश विदेश, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग से लोग आते हैं। और जो भी इस माँ भगवती के इस दिव्य दरबार में आए हैं, खाली हाथ नहीं गए हैं। और यहाँ पे जो माँ भगवती के उपासक हैं, हमारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव श्री पंडित सुशील बडोनी जी है जो माँ भगवती के उपासक हैं। और यहाँ पे जो माता का सबसे बड़ा चमत्कार है, माता का जो चमत्कार है वो यहाँ पे है कि माता दीवार पे अपने छत्रों से लिखती है जो जिसकी समस्या है, मन की बात बताती है। और यहाँ पे माता रानी चावल की हरियाली जमाती है, जो मंदिर का सबसे बड़ा मातम है। और जो चावल की हरियाली आज पूरे उत्तराखंड में विख्यात है, तो उत्तराखंड में कई शक्ति है, कई जगह है, और हमारे उत्तराखंड में देव शक्ति है, उत्तराखंड देव भूमि इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे देव देवताओं की अनेकों प्रकार की शक्ति है। तो जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी, जय माँ दक्षिण काली। जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज हैं आप सभी, सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गौवर्ती, आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने चूल्हे से और शाम के 7:30 बजे से, यानी 8 बजने वाली है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने किचन में से। और अभी मैं मार्केट से घर आई हूँ, मार्केट से घर आने के बाद घर का थोड़ा बहुत काम निपटाया, तो अभी मैंने जला रखी है यहाँ पे आग। और अभी मैं हैप्पी और मेरा बेटा घर नहीं आया और मेरे सास ससुर जो है वो टीवी देखने जा रखे हैं, तो वो टीवी देखने चले जाते हैं जैसे ही रूम को होती है, रूम को बोलते हैं, तो शाम का टाइम होता है वो टीवी देखने चले जाते हैं, उनके लिए हम खाना वहीं पर ले जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने रात का रूटीन, कि अपने रात को जैसे कैसे खाना खाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे चलता है काम, क्योंकि आप आज तक आपको सिर्फ दिन के सुबह के ऐसे ब्लॉग देखने को मिले। तो आज आपको दिखाते कि रात में हम क्या बनाने वाले हैं, क्या हम बनाएंगे। आज हमने दिन में खाना नहीं खाया क्योंकि आज मेरे ससुर जी को लेके मैं अभी चले गए थे चोपता, और वहां से आने में लेट हो गई तो हम चावल नहीं बना पाए। तो अभी रात को हम चावल भी बनाएंगे आज। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी, और आलू की खिचड़ी सिलवट्टे में थोच करके, अब देखिए कैसे बनती है आलू की खिचड़ी। और खुशी के पास दे रखा है मैंने आटा गोदने के लिए, तो खुशी आज आटा गोदेगी, आज नहीं गोती है कभी कभी। तो चलिए बने रहिए साथ में, दिखाते हैं आपको कि आज का वीडियो। ये रहा हमारा सिलवट्टा, ये देखिए, और ये रहे इसमें आलू, और आलू को ये देखिए थोच रही हूँ मैं अभी, इनको बारीक बारीक पीस बनाए इनके।
आज ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी ना मैं, आप लोगों के मुंह में भी लाल आ जाएगा, क्योंकि मैं खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और तो नहीं और ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बनाती, बट खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं। एक दिन ससुर जी को सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा क्या बनाना है। ससुर जी ने बोला मन नहीं कर रहा कुछ खाने का सब्जी, बस मेरे लिए दो रोटी और चाय लेकर। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने खिचड़ी बनाई, इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाई, मेरे ससुर जी ने चार रोटी खाई। बोला मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, खिचड़ी इतनी टेस्टी हो गई कि ससुर जी ने चार रोटी खा ली, तो अच्छा लगा मेरे को भी। तो इसीलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो अभी ना मैं इसमें, आप लोग बोल रहे होंगे कर क्या रही है ऐसे, लेकिन मैं आपको अलग प्रकार की खिचड़ी बना के खिलाऊंगी आज। इसी में काटूंगी मैं टमाटर भी, प्याज का दम सलम करूंगी आज इसी में। तो जी होगा तो जी होगा, जी यकीन नहीं होगा, बहुत टेस्टी होगा, खुद पे विश्वास रखो। नहीं भी बोलते हैं अगर खाना आप अच्छे तन मन धन से बनाओ और खुश होके बनाओ तो खाना बहुत टेस्टी बनता है। इसीलिए मैं खुश होके बनाऊंगी और अच्छे से बनाऊंगी, तो टेस्टी तो जरूर होगा। खिचड़ी भात मेरे मुंह में लाल आ रहा है, बनाऊंगी मैं खिचड़ी भात। तेरे भी आ रहा है? कैमरामैन के मुंह में तो नहीं आ रहा ना। मैं फोन की लो जब मना हो छोड़ बेटी तो। जय माता रानी की। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों देखिए अभी रात को बन रहा है हमारा खिचड़ी और भात। तो मम्मी पता नहीं क्या क्या वो पुराने ज़माने के वो लगा रही है, उसी के साथ टमाटर काट रही है। ये बाबा अब तो प्याज भी काटने लग गई है। तो अभी यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये देखिए पीछे से वहाँ जी जी कट रहा होगा। तो जैसी होगी उतना तो मैं नहीं जानती। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी खिचड़ी बन रही है। वो तो मुझे भी नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलता है, पर वही हो गया। बोले तो फाइनली मैंने ये सब चीज़ कंप्लीट कर दी है। ये रही हमारी लहसुन, ये रहा हमारा प्याज, ये रहा हमारा टमाटर और ये आलू। तो मैंने सब चीज़ इसमें ठोस ठास के बराबर कर लिया है। तो अब ये देखिए इसको थोड़ा ऐसे मिक्स करेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना एक बार ऐसे ना, कैसी होती बात। अभी तो खिचड़ी इसके लौटे हैं, मैं तो अभी मुँह में पानी आ रहा है, तब जब बनेगी तब देखना। ये आलू कच गया हो जाएगा तब बहुत। कितना सुकून कितना आराम है अपने पहाड़ों में, कितना सुंदर नाम है। ये लो इधर ले सीधा ऊपर जो भार है था उनके यहाँ। तो पहले तो टाइल्स होगी लग रही हूँ सिलाटे से, आजकल नॉर्मल है सर जो लगी हुई अभी। दे मेरी वॉल वाल पीछू कनके बेट मारी छो तुन सुहा रो खान। गील ना करी, गीला मत करना भी। चलो वो तो 12 वर्ष लोड़ वाल घर तलवार थाम और 12 वर्ष लोड़ वाल घर बार थाम। यो फोन बना दियो दा 12 साल हो गए। तो अभी देखिए अभी मेरी बेटी गोत रही है आटा। तुम पता नहीं चलिए तो वर्तमान यार
अपना वर्तमान च। और मैंने जला दी है आग और ये हमारी कढ़ाई। कढ़ाई हमारे घर में दो तीन है लेकिन हमको यही कढ़ाई पसंद है। एक दिन मैंने तो फेंक भी दी थी लेकिन मेरे ससुर जी वापस लेके आई, मतलब यही खेत में डाली थी मैंने, वो आज वापस लाई। पता नहीं उनको क्या पसंद है इसमें कि वो बहुत साल हो गए इस कढ़ाई को, बहुत साल दे पता चल ही रहा होगा आप लोगों को कढ़ाई को देखे तो देखे कुछ पूछा तो ही देखे हमारे खाने को। हाँ तो इसी में बनाते हैं हम खाना। फिलहाल मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और अब ये रहा सरसों घरिया जिसको बोलते हैं, और इसको हम तो ये इसमें तेल ना स्टार्ट कर दिया है यानी ये हो चुका है कंप्लीट। और ये रहा हमारा सब्जी, तो अब हम इसको सीधे डालेंगे इसमें। अब हमें प्याज टमाटर फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फिलहाल ये हो चुका है और अब हम डालते हैं आग। बहुत तेज़ जल रही है और अभी मैंने इसमें डाल दी हूँ मसाले और अभी हम इसको खाली भूनेंगे एक बार, खाली भून के, क्योंकि आग ज़्यादा जल चुकी है वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो अभी देखिए अभी कितना प्यारा प्यारा कलर आ चुका है। ये आग बहुत तेज जल गई है तो अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, फिलहाल इसको मैं फ्राई करते जा रही हूँ। तो किसी ने भी आटा गोद दिया है, मेरे आ गए हैं बिजी भी। हेलो जय माता रानी। क्या लेके आए कृष्ण भी आ गए? फल फ्रूट। जय माता रानी के लिए बोल। जय माता रानी इसमें फल और फ्रूट। अभी जी और रुके धुएं से परेशान बोल रही कि उधर वाले किचन में चल यार नहीं बनाना। मैंने कही मैंने इतनी मेहनत कर रखी है लकड़ियों पे तो ये भी तो जलानी है ही, लोभ लालच क्या। तो ये देखिए खिचवानी रंग लेने लगी है बहुत ही प्यारा प्यारा। आखिर देखिए ये चाय पीने पे लगे हुए हैं यार। यहाँ देखो इसके हाल, यहाँ देखो बीजी जा दी लाटी पेट दूर जा से सूर गड़े शुंदी पाटी बीजी जा दी लाटी। शादी तो बात नहीं हुई जो शादी की बात नहीं हुई तो लेट लेट की ना ऐसे बिसोड़े बिसोले बाटा छोयो माना रे। मैंने नो लिखवा के लेवन तब तो मुन पछता। तो भी दोस्तों फाइनली बन चुका है हमारा खाना, रेडी हो चुका है और बाकी सब खा रहे हैं। और ये मेरी माँ ने ना घी दिया था तो मेरी माँ के लिए भी थैंक यू, मेरी भाभी के लिए भी थैंक यू, घी दिया था मेरे लिए तो मैं कढ़ाई में खाऊंगी। और सास ससुर जी को भी मैंने खाना दे दिया है तो अभी थोड़ा सा इसमें घी भी डालूंगी मैं, तब देखते कैसा टेस्ट आता है। इसमें मैंने डाल दिया है इसमें मैंने घी, ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है इसमें मैंने घी वाला। तो फटाफट से आनंद लेते हैं, अब मेरे से भी सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिन भर से भूखे हैं, मतलब खाया नहीं है भात, तो फटाफट से इसका आनंद लेते हैं। ये देखिए तो अपने प्यारे से गौतम भाई को भी मैं मिस कर रही हूँ कि मेरे सॉरी भैया नाम निकालने के लिए, पर नाम निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि भैया को ना भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे मॉर्निंग में।
जय माता दी। दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आ चुकी हूँ बांध के लिए। अभी मैं जा रही हूँ बांध के लिए। अभी तक मैंने घर का काम किया, बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार करना, नाश्ता पानी। तो अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है और अब मैं आ रही हूँ बांध के लिए। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बांझ काटना है। तो परसों मैंने ये वाला पेड़ काटा था, इस वाले पेड़ पे गई थी मैं यहाँ ऊपर 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 ऊपर। तो शायद आज भी उस पे थोड़ा बहुत बांध है, उसी पे जाऊँगी, आज भी उसी को काटूँगी या दूसरे पेड़ पे जाऊँगी। तो ठीक है, बने रहिए साथ में। और कल रात को खिचवाड़ी और भात बहुत टेस्टी हुआ था, सच में बहुत अच्छा हुआ था। तो चलिए बांझ काटते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी मैं पेड़ पर पहुँच चुकी हूँ और पेड़ देखिए कितना बड़ा है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे से इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि यहाँ पे से अच्छा है वीडियो बनाने के लिए, मतलब जहाँ पे मैंने पैर रखे हैं वहाँ पे टहनियाँ ही टहनियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पे से वीडियो बना रही हूँ। तो नीचे देखिए दिख नहीं रहा है, पर काफ़ी सारे नीचे से यहाँ पे मैं आई हूँ वीडियो बनाने। तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो इनके जो टुक हैं इनको काट दे रही हूँ मैं। तब ये नीचे से मोड़ेंगे तो बढ़ेंगे नहीं उतने ज़्यादा बड़े, वरना इन बड़े पेड़ों पे चढ़ना भी किसने है। तो ठीक है, मैंने रही साथ में। तो फिर दोस्तों अभी मैंने फाइनली भाड़ा लगा दिया है और थोड़ा सा आगे भी आ गई हूँ मैं पेड़ से। तो ये देखिए, यह मेरे बांझ का भाड़ा। इसे आजकल इसे पोई बोलते हैं, पोई, जो कि बांझ में नए पत्ते आते हैं तो इन्हें गाय अच्छे खाते हैं, पुराना बांझ नहीं खाते। तो ये अच्छा नया नया बांझ आ रखा है पोई। तो अभी मैंने भाड़ा लगा के यहाँ पे थोड़ा बिस्तार रखा है। तो अभी कैसे हो रखी मैं सूंगड़ी जैसी, तो अभी थोड़ा नाना धोना करूँगी, घर जाके नाश्ता भी नहीं करा है। तो चलिए बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको सीधे घर पे। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ गौशाला में और मैंने बांझ का भाड़ा यहाँ पर बिस्तार दिया है और कुछ गाय के पास भी दे दिया है और कुछ बछड़े के पास। तो कुछ बांध में आप ये छारा बांध मैं अंदर रख लूँगी गौशाला में। अभी थोड़ा थकान से आवाज़ भी नहीं आ रही मेरी, तो फटाफट से बांझ को रखते हैं गौशाला में। तो फिर अभी मैंने खाना खा लिया है, मेरी सासू माँ ने आज घर से खाना बना के भेजा था हमारे लिए, छोले भात, तो खा लिया है। और अभी ना मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा है क्योंकि धूप नहीं है आज, हल्की फुल्की धूप आ रही, हल्की फुल्की नहीं आ रही। तो अभी मौसम बिल्कुल धुंधला धुंधला कर, जंगलों में आजकल इतना सारा नुकसान हो गया, पूरा जंगल देखिए आग लग लग के कैसे जल रखा है। तो गए थे हमारे गाँव वाले आज बुझाने गए थे बहुत सारे, बिल्कुल जंगल हो गए, बुरे हाल हो गए। और इस बार इतने सारे काम फला रखे थे ना, क्या ही बताऊं, लेकिन सारे जल के खाक हो गए हैं। तो आप सबसे फिर से मैं यही बोलूँगी, आप सब, मैं आ रही हूँ 15 तारीख को देहरादून माँ दक्षिण काली राज राजेश्वरी दक्षिण काली के दरबार में। तो स्पेशली मेरे लिए न्योता भी आ रखा है, यानी कार्ड बोलते हैं, न्योता बोलते हैं, और वीडियो बना के भी भेज रखी है भाई ने। तो थैंक यू सो मच सुशील बरौनी भाई का और उत्तम चौहान भाई का, और आप सब भी जरूर आना माता रानी के दरबार में। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुके हैं, ब्लॉग को एंडिंग देते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और खिचड़ी भात भी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी।